अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीदा खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थी, आज हम एक्सरसाइज 2.4 को करने जा रहे हैं। उसको करने से पहले मैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को डिस्कस करना है। तो इस वीडियो को देखने से पहले इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझे। तो अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब हम देखते हैं, जी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है हमारे पास। सबसे पहला जो इसमें लॉ है वो है ए रेज टू पावर एम मल्टीप्लाई ए रेज टू पावर एन। तो इसका हमारे पास आंसर क्या बनेगा? अब देखिए, अगर बेसिस सेम हो तो इनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो ए रेज टू पावर एम प्लस एन हो जाएगा। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सपोज हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 है और 2 रेज टू पावर 5 है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू पावर बेसिस सेम पावर्स ऐड 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 8 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। सेकंड में क्या है? अगर डिवाइड हो रहे हैं ए रेज टू पावर एम ओवर ए रेज टू पावर एन इस फॉर्म में अगर आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, ए रेज टू पावर एम माइनस एन। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है ये यूज़ होगा इसमें। इसकी एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 2 ओवर एक्स रेज टू पावर 3, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 3 एक्स रेज टू पावर माइनस 1, ये इसका आंसर बनेगा। जी नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड लॉ है ए रेज टू पावर एम और इस सारे की पावर एन है। अब इसको हमने सॉल्व करना है, तो ये क्या बनेगा? अब देखिए ब्रैकेट में है ए की पावर एम है, इस सारे की पावर एन है, तो पावर्स हमेशा आपस में क्या होती हैं? मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा ए रेज टू पावर एम एन। अगर इसमें देखें, इसको एग्जाम्पल देखें इसकी, ये हमारे पास एक्स रेज टू पावर 2 और होल रेज टू पावर 3 है, तो एक्स रेज टू पावर पावर मल्टीप्लाई हो गया 2, 3, 6 एक्स रेज टू पावर 6 बना देंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो लॉ है वो है 4 ए बी होल रेज टू पावर एन इक्वल टू, ये क्या बनेगा? अब ए की पावर एन सेपरेट हो जाएगी, बी की पावर एन सेपरेट हो जाएगी, ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन। हाँ जी, इसको अब देखें, ये बनेगा सपोज अगर एक्स वाई है हमारे पास 2 वेरिएबल और इनकी पावर हमारे पास 3 है, तो एक्स की पावर 3 अलग हो जाएगी, वाई की पावर 3 अलग हो जाएगी। सपोज यहाँ हम एक कांस्टेंट भी ऐड करते हैं, वो 5 है, तो सब की पावर अलग अलग हो जानी, चाहे कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है। 5 रेज टू पावर 3 अलग हो जाएगी, x रेज टू पावर 3 सेपरेट, y रेज टू पावर 3 सेपरेट। तो इस तरह हम इसे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है a ओवर b होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा? इसमें अब ऊपर पावर अलग हो जाएगी, a रेज टू पावर n ओवर b रेज टू पावर एन, नीचे पावर इसकी सेपरेट हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल क्या बनेगी हमारे पास? ये हमारे पास एक्स रेज टू एक्स ओवर वाई होल रेज टू पावर 2 है, तो ऊपर भी एक्स रेज टू पावर 2 हो जाएगा, नीचे भी वाई रेज टू पावर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें जो रूल है वो इजी है, इसमें ए रेज टू पावर माइनस 1 जो है वो इक्वल हो जाएगा 1/1 के। जब भी ए रेज टू पावर माइनस 1 यानी पावर नेगेटिव हो तो वो 1 के ओवर में जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो बाकी इसकी एग्जांपल देखने की ज़रूरत नहीं। और इसमें 7 लास्ट वाला लॉ जो है वह ए रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। ए रेज टू पावर 0 का मतलब यहाँ कोई भी नंबर ले लें, नंबर ले लें, वेरिएबल ले लें, जिसकी भी पावर 0 हो जाएगी हमेशा उसका आंसर 1 आ जाएगा। जैसे मैं सपोज एक्स की पावर 0 करें आंसर तब भी 1 आएगा, और अगर मैं 2 की पावर 0 करूँ आंसर तब भी 1 आएगा। तो ये कुछ लॉज हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट।
इनको हमने देखा, अब इन्हीं को यूज़ करते हुए हमने एक्सरसाइज 2.4 देखनी है। इस चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से एक लॉन्ग पार्ट आपका मोस्टली आता है और वो 2.4 में से आता है, तो इसको बड़े ध्यान से करेंगे। ये लॉज यूज़ होने, थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी भी है क्वेश्चंस में, तो इंशाल्लाह मसला नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। जी, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 है हमारे पास। इसमें उसने कहा यूज़ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करते हुए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, और ये हमारे पास इधर अंडर रूट भी है और ये माइनस। जी, क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इसे फैक्टराइज करेंगे, अब इसका मेथड आप देख लेंगे। 243 इसको हम 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 8 24, 3 1 3, 3 2 6, 21 3 7, 3 9, उसके बाद 3 3 और 3 1। अब 1 2 3 4 5, 3 रेज टू पावर 5, हमारे पास 3 रेज, यानी हमारे पास ओवर में 3 है। तो हम क्या करेंगे, एक हम 3 का पेयर बना लेते हैं और एक हम 2 का बना लेते हैं, ताकि हमारे पास जो है इजीली ये सॉल्व हो जाए। तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर -2/3। जी, अब फैक्टराइज करें 32 को। 32 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 32 2 16 2 8 2 4 2 2 और 2 1 आ जाएगा। अब इसकी पावर 5 है, 1 2 3 4 5, हमारे पास 2 रेज टू पावर भी 5 ही बनेगी, तो इसको ऐसे ही कर दें, ये 2 रेज टू पावर 5 होल रेज टू पावर -1/5। अब आ जाए 196 पे। 196 का क्या बनेगा, इसको भी फैक्टराइज कर लें। 196 की फैक्टराइजेशन 196 2 7 2 9 18, 2 8, फिर 2 पे करें 2 4 8 2 9 18, फिर 7 पे 7 7 49 और 7 1 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लस 7 रेज टू पावर 2 और होल अंडर रूट है, होल रेज टू पावर -1 और ये अंडर रूट में आ जाएगा। जी, अब क्या करेंगे हम, अब पावर्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब हम यूज़ करने लगे, ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगी, 3 रेज टू पावर 3 × -2/3 मल्टीप्लाई, ये 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई -2/3 और ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 5 × -1/5 होल ओवर। अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ ज़रा देखेंगे आप, रेडिकल को पावर बना दें आपकी मर्ज़ी, या इसमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करें, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, या आप इनकी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके 2 बाहर निकाल सकते हैं, उस तरह भी ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास। तो देखिए इसमें हमने क्या करना है, हम इसको पावर बनाते हैं, यानी ये बनेगा हमारे पास 2 रेज टू पावर 2 या माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करें -2, फिर 7 रेज टू पावर -2 होल रेज टू पावर 1/2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या रहेगा, बाकी इधर रह जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर -2 और इधर 3 रेज टू पावर, अब पावर मल्टीप्लाई आ जाएंगे 2 × -2 -4/3 और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर -1 होल ओवर। अब ये 1/2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये आपस में कैंसिल होकर 2 रेज टू पावर -1 बना देंगे, और ये 2 से ये 2 कैंसिल होकर 7 रेज टू पावर -1 रह जाएगा। जी, आप क्या करेंगे इसे, अब देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2 रेज टू पावर -1, अब पावर हमारे पास नेगेटिव है, अब नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी, ये रूल भी हमने देख लिया।
ये ऊपर जाके 7^(-1)7 हो जाएगा, वो नीचे आके 3^(+2) हो जाएगा, और ये 3^4/3 है। अब 4/3 को हम लिख सकते हैं 3^1 × 3^1/3। इसको ज़रा देख लें, 1 + 1/3 जो है, इसका अगर हम एलसीएम लें तो 3 × 3 + 1 = 4/3, वही हमारे पास 4/3 आ जाएगा। तो नीचे हमने इसको ब्रेक कर दिया ताकि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल सकें। तो ये हो जाएगा 7/3² 9 होता है, और ये 3, और इसको दोबारा हम जब रेडिकल में चेंज करेंगे तो ये 3 हो जाएगा 3√(3)। ये हमने सीख लिया रेडिकल को पावर में और पावर को रेडिकल में चेंज करना। तो अब फिर ये होल नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये हो जाएगा 7/9 × 3 = 27, √(3), और इसके इंटरनल में भी 3 आ जाएगा। ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्वेश्चन है, अगर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप यूज़ करेंगे प्रॉपरली से कर लेंगे तो कोई मसला नहीं आएगा मेरा ख्याल है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। अभी हम इसका पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 आसान ही है, छोटा सा क्वेश्चन है, 3 भी आसान ही है। अभी हम इनको देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है हमारे पास, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है, आज इजीली हो जाना। अब क्या करेंगे, कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, बाकी को आप कंबाइन कर दें, इन्हें अलग अलग कर दें, बाद में हम इनको सॉल्व करेंगे। अब 2 × -8, ये हो जाएगा हमारे पास -16। अब x^5 इधर x^-3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर y^-4 इधर y^2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अभी हो जाएगा -16 x^2। अब दोनों की बेस सेम है, पावर्स एड, अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो यूज करें, वो प्लस माइनस, माइनस हो जाएगा 5 − 3, इधर y^-4 + 2 हो जाएगा। तो फाइनल सिंपल अब इसका आंसर आ जाना, -16 x^5 − 3 = 2 होता है, और इधर y^-4 + 2 ये -2 आ जाएगा। अब एक और बस कर दें, ये पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना दें, इसको भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू 1 के ओवर में ले जाएं, तो ये हो जाएगा -16 x^2/y^2। ये इसमें रूल यूज़ हो रहे हैं, अगर इसमें देखें तो इसमें वो वाला रूल था a^(n) × b^(n) ये a^(n+n), और इधर जो a^-1 = 1/a, ये वाला रूल जो है इसमें यूज़ हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन 1 पार्ट 2 है, उसके बाद पार्ट 3 है। पार्ट 3 भी इसका आसान से, अभी हम उसको देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 पार्ट 3, x^-2 − 2 y^-4 − 1 z^-4 − 4 / x^4 y^-2 − 3 z^-0 / 3। अब हम क्या करेंगे, पहले -3 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे हमें ये पता चल सके कि कौन सी वैल्यू प्लस माइनस में जानी है, और पावर रूल भी हम डेफिनेटली यानी वो पावर को पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो लॉ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें a^m / n जो है वो = a^mn, ये वाला रूल जो है वो हम यूज़ करने लगे इसमें। तो हर एक के साथ -3 मल्टीप्लाई होगा, -3 इस -2 से होगा तो x^+6 हो जाएगा, y^-1 × -3 + 3 हो जाएगा, और z^-4 − 3 ये −−+12 हो जाएगा। ओवर में क्या आ जाएगा, x^-4 × -3 x^-12 हो जाएगा, और y^-3 × -3 ये +9 हो जाएगा, और z^-0 जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसे 0 कर देगा। अब हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज़ को ऊपर ले जाएंगे, फिर हम
रूल इस पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जब वो यूज़ कर दें, या इसमें अगर आपने वो वाला रूल यूज़ करना है जो हमने ये पढ़ा था, ए और एम ओवर ए रेस्ट पर एन इज इक्वल टू ए रेस्ट पर एम माइनस एन, ये वाला रूल भी यूज़ हो सकता है। इस रूल के अकॉर्डिंग फिर हमें इनको सेपरेट कर लेना चाहिए, एक्स रेस टू पावर 6, एक्स रेस टू पावर -12 मल्टीप्लाई वाई रेस टू पावर 3 और वाई रेस टू पावर 9 इंटू जी रेस टू पावर 12 और जी रेस टू पावर 0। तो ये वाला रूल जो है इनको हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये बनेगा एक्स रेस टू पावर 6 माइनस इंटू -12, ये ऊपर जाके यानी वो रूल एम माइनस एन, एम माइनस एन इसको आपने माइनस कर देना, वाई रेस टू पावर 3 -9 हो जाएगा और जी रेस टू पावर 12 -0 हो जाएगा। तो अब क्या बनेगा फाइनल इसका आंसर, ये बन जाएगा एक्स रेस टू पावर 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 12 18, वाई रेस टू पावर 3 -9 -6 और जी रेस टू पावर 12 -0, ये 12 ही होता है। अब एक स्टेप और कि ये जो है पावर नेगेटिव है इसको आप ओवर में ले जाए, जब ओवर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स रेस टू पावर 18 जी रेस टू पावर 12 ओवर वाई रेस टू पावर 6, ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा। छोटे छोटे ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, पहला पार्ट जो है ये इसका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, अभी इसका जो पार्ट 4 है इसके बाद जो आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, टेक्निकल नहीं कह सकते लेकिन इंपॉर्टेंट है, पेपर में मोस्टली ये रिपीट होता रहता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसे सॉल्व करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पार्ट 4 है, 81 होल रेज टू पावर एन, बाकी ये वैल्यूज हमारे पास हैं। अब हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इनको फैक्टराइज करना है, 81 को, 243 को और 9 को। अब 243 को फैक्टराइज करते हैं, इसमें 81 भी आ जाना, तो 243 की फैक्टराइजेशन क्या बनेगी, 243 की फैक्टराइजेशन 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से 3 2 6, 21 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब ये देखें 3 रेज टू पावर 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर 5 और 81 जो है ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से नीचे देख लें 1 2 3 4, तो ये 3 रेज टू पावर 4 बनेगा। ये देगा 3 रेज टू पावर 4 होल रेज टू पावर एन इंटू 3 रेज टू पावर 5 -3 रेज टू पावर। अब यहाँ क्या बनेगा हमारे पास 3 रेज टू पावर 4 n, इसको आप ब्रेक करें, एक रूल जो हम यूज़ करते थे ए रेज टू पावर m इंटू ए रेज टू पावर n इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n, अगर इसका अपोजिट देखें, अगर हमारे पास ये वाली फॉर्म है तो हम ये बना सकते हैं, इसमें क्या होना चाहिए बेसिस को सेम रखना है आपने। तो यहाँ ये वाला रूल यूज़ करेंगे, ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 4 n इंटू 3 रेज टू पावर 1, बेस सेम रख के पावर्स को ब्रेक कर लें, और इधर 243 की जगह आ जाएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर 5, वो इसकी फैक्टराइजेशन होल ओवर। 9 की क्या बनेगी, 9 की यहाँ से देख लें, ये 1 2, तो ये बनेगा 3 रेज टू पावर 2 होल रेज टू पावर 2n इंटू 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। आप क्या करेंगे, आप सिंपल हो मल्टीप्लाई करें, 3 रेज टू पावर 4n हो जाएगा, 3 रेज टू पावर 4n इंटू ये 3 रेज टू पावर 5 -3 रेज टू पावर 4n इंटू 3 रेज टू पावर 1 इंटू 3 रेज टू पावर 5, ये एज इट इज ही रहने दें क्योंकि हमने आगे इसमें से कुछ कॉमन निकालना। नीचे हो जाएगा 3 रेज टू पावर 2 2 4n इंटू 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से 3 रेज टू पावर 4n और 3 रेज टू पावर 5 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4n इंटू 3 रेज टू पावर 5, ये सारा कॉमन चला गया, यहाँ 1 आ गया माइनस, ये भी कॉमन ये भी कॉमन, तो यहाँ रह जाएगा 3 रेज टू पावर 1, 3 रेज टू पावर 1 ये +4 है माइनस,
ये माइनस है, यहाँ माइनस आएगा हमारे पास माइनस, तो ये भी माइनस और ये माइनस, और ये 3^-1 रह जाएगा, ओवर में आ जाएगा 3^4n इंटू 3^3। अब 3^4n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 3^5 और 3^3 इसमें रूल यूज़ करें, a^m ओवर a^n इज इक्वल टू a^m-n वाला, तो क्या बनेगा ये हो जाएगा 3^5 ओवर में 3^3, तो ये हो जाएगा 3^5-3 इंटू, इधर हो जाएगा 1-3^-1 जाए, ये 1/3 हो जाएगा। मेरा यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3^5-3, 3^2 हो जाएगा, यहाँ 3 एलसीएम ले लें, 3 1 3-3 से 3 कैंसिल, 1 ही आ जाएगा। अब 3^2 9 होता है इंटू 3-1 2/3, अब इसकी कैंसिलेशन कर दें, 3 3 9 और बाकी का रह जाएगा ऊपर 3 2 6, ये इसका हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बस ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इसमें यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह मसला नहीं आएगा, इजीली इक्वेशन सॉल्व हो जाना, देखेंगे करेंगे बार बार फिर होंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। इस एक्सरसाइज की खास तौर पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो इनको करें, कोई होगा इशू तो हम इंशाल्लाह देखेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।